Hi guys, welcome back. तो आज हम आ गए हैं DLF Phase 2. यहाँ का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ. यू सी, हर आदमी की अपने अपने टेस्ट होते हैं और कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी को पसंद आती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं कि यूनिवर्सली जो भी देख ले दिमाग खराब हो जाता है. ऐसी एक बड़ी नायाब सी चीज़ लेके आए हो. जब आपने कम्पीट करना हो पूरे गुड़गांव में और आपने एक बिल्डिंग बनानी है और जीतना हो उस कॉम्पिटिशन को, तो कैसे घर बनाया जाता है, आओ आपको दिखाता हूँ. यहाँ से स्टार्ट होती है ये जर्नी. 215 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, 215 स्क्वायर यार्ड्स में ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए कि कुछ कमाल निकल के आए. ये देखो, यहाँ पे हम इस टाइम पे इस घर में एंटर कर रहे हैं. 215 स्क्वायर यार्ड्स का स्टिल्ट लेवल है ये, और यहाँ से आपको मिलेगी हर फ्लोर के लिए 2 गाड़ियों की पार्किंग. कितनी इंटेलिजेंटली ये वाला एरिया निकालना पड़ता है, आप खुद सोचो. बड़ी सी एक स्टिल्ट लेवल जिसमें हर घर के लिए 2 गाड़ियों की पार्किंग. ऑब्वियसली काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि DLF Phase 2 का एरिया है. बिल्कुल एंड मौके पे ख़त्म होते होते हमको घर शूट कर लेना होता है, नहीं तो हमको घर मिलेगा ही नहीं. ये है ह्यूज लिफ्ट वेल जिसमें एक बड़ी सी लिफ्ट आ जाएगी, एंड यहाँ से हम चलेंगे ऊपर. आप तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर. एक बार यहाँ पे क्विक लुक देखिए कि हम, दिस इज द एंट्रेंस मैकेनिज्म. येल का लॉक सिस्टम लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट से खुलता है. इसको आप खोलेंगे, जो फिंगरप्रिंट से कन्फिगर्ड होगा तो उसी से खुलेगा. तो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स ही इस घर को एंटर कर सकते हैं. अब एक बार ही अंदर घुस के देखिए जनाब, नज़ारे किस लेवल के हैं. है नहीं बढ़िया चीज? सो सुंदर से शैंडलियर्स लगे हुए एंड पूरा फुल जबरदस्त चीज बनी हुई. सो दिस इज द होल ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया. सो दिस इज़ द ड्राइंग डाइनिंग एरिया. जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही ड्रामेटिक लेवल की डिज़ाइनिंग और बहुत ही बहुत सुंदर लेवल की फिनिशिंग. हालांकि फिनिशिंग का लास्ट फाइनल लेग घर पे काम चल रहा है, लेकिन इस घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी. 215 स्क्वायर यार्ड्स, 3 बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम्स, फ्रंट एंड बैक यार्ड, एक बहुत ही ड्रामेटिक वॉल फिनिशेस और बहुत ही हाई एंड स्विचेस, फैंस, लाइट्स, जो आप सोच सकते हैं. प्लस As a cherry on the top, this house is centrally air conditioned also. पूरा घर temperature controlled, centrally air conditioned, अपने system के साथ लगा हुआ आता है. ऐसी चीज़, वो भी एक 215 square yard के घर में, I'm sure आपने अगर गुड़गांव देखा है ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी. So guys, यहाँ से I would like to take you number 1 to the kitchen which is adjoining the drawing dining area, and आपको मैं attention दिलाना चाहूँगा कि किस level का kitchen 215 square yards में बना हुआ आपको मिलता है. Microwaves, ovens, gas hob with 4 burners, whirlpool की chimneys, ये सब लगा लगाया ready आपको मिलता है घर के अंदर. आप ज़रा finishes देखो, मतलब देख के आप मुझे बताओ अगर आपने कभी भी 215 स्क्वायर यार्ड में ऐसी फिनिशेस देखी हो. ऑफ कोर्स अगर आप कहोगे 500-600 स्क्वायर यार्ड्स में ऐसे घर मैंने ऐसे किचन्स देखे हैं, ऐसी फिनिशिंग देखी है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा. लेकिन विद द टाइट मार्जिन्स जो कि बिल्डर्स यहाँ पे खेलते हैं, ये चीज़ें नहीं मिलती. ये देखो, डिश वॉशर, ब्रांड न्यू डिश वॉशर किचन के अंदर लगा लगाया आपको मिलता है. आप यहाँ से चलेंगे, आई शो यू द 3 स्पेशियसली डिज़ाइन बेडरूम्स जो इस घर में आते हैं. नाउ बिकॉज ये 215 यार्ड्स है, तो यहाँ पे पीछे मेरे जो पीछे बेडरूम है, इसके साथ में जो बाथरूम अटैच्ड है उसके 2 दरवाजे दिए हैं, जिससे कि व्हेन यू हैव गेस्ट्स ओवर वो आपके बेडरूम में ना एंटर करें, रादर यहाँ से एंटर करके वॉशरूम को यूज़ कर लें. जस्ट हैव अ लुक एट दिस वॉशरूम कि कितना बढ़िया डिटेलिंग इस वॉशरूम में है. जस्ट हैव अ लुक. शावर कैबिन बना हुआ, सारी चीज़ें फिनिश्ड.
सारी फिटिंग्स बाय द वे ब्रबात की लगी हुई हैं, शावर कैबिन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग एंड वेरी हाई लग्जूरियस स्पेक। बाथरूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और एक सीलिंग फैन भी लगा हुआ है कि आपको बैठे हुए अंदर गर्मी ना लगे। यहाँ से आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, लेट्स गो। सो ये था वो वाला बाथरूम जो आपके गेस्ट जब आते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम जो कि बालकनी के साथ कनेक्टेड है एंड साथ में एक पूरी वॉल वो भी लॉफ्ट लेवल तक कवर्ड, जहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर अंदर से बैक लिट, अंदर से लिट कवर्ड मिलती है। जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, कितनी स्टोरेज आप इसमें निकाल सकते हो और सारे घर में इसी लेवल की स्टोरेज बनी हुई है। जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स, जस्ट माइंड ब्लोइंग। यहाँ से चलते हैं इधर। सो गाइस यहाँ पे दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ द बेड, आपका बेड ऐसी चीज पे आता है। दिस इज द काइंड ऑफ लेदर फिनिश, ये पूरा इसके ऊपर पेस्टेड है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है, इट लुक्स जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे आपका बेड आता है, यहाँ पे टच सेंसिटिव बटन्स दिए हुए हैं जो कि वाओ वाओ दिस इज सो नाइस, मैं पूरा दिन इनसे खेल सकता हूँ, ब्यूटीफुल। तो आप इन बटन से लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर सकते हैं, दिस इज ऑल टच सेंसिटिव बटन्स, एक बार आके देख ही लो कितनी सुंदर चीज़ है। दिस इज जस्ट सो नाइस, दिस स्टफ वर्क्स लाइक दिस, ब्यूटीफुल। लाइट को अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो यहाँ से, इट्स जस्ट वेरी नाइस। यहाँ पे आपका बेड आएगा, बेड के साथ दिस डोर विल गो टू द बाथरूम जो मैंने आपको अभी बाहर दिखाया था। सो उसी बाथरूम का सेम सेकंड दरवाज़ा है ये, एंड बाथरूम तो आपने देख लिया बट एक बार इस दरवाजे को देख लो। ये दरवाज़ा अगेन आप मुझे ये ज़रूर बोल सकते हो कि रंजन तूने मेरे को कभी तो ऐसा कोई वीडियो दिखाया जिसमें इस लेवल के फिनिशेस हैं। हाँ वो 600 गज के घर थे, 500 गज के घर थे, ये 215 गज का घर है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस लेवल, दिस इज ऑल विनियर फिनिश विद डोरसेट एंड ब्रवाद फिनिशेस, मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल। ये था आपका फर्स्ट बेडरूम, आई होप आपको पसंद आया। बेडरूम के साथ बैल्कनीज, वार्डरोब्स, बाथरूम्स सब डन, फॉल सीलिंग्स, पंखे सब फिनिश्ड, लाइटें वाइटें सब कुछ। यहाँ से हम चलते हैं बाकी के दो बेडरूम्स देखने के लिए। एक बारी ये देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, दिस इज़ योर लॉबी स्लैश फॉयर एरिया। इसकी फिनिश देख रहे हैं आप, आर यू एबल टू ग्रास्प कितनी सही चीज़ है ये, मतलब दिस इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। ऐसी चीज़ें ड्यू टू यू नो लैक ऑफ मार्जिन एंड सब लोग कम्पीट करने के चक्कर में इनोवेट कोई नहीं करता है, बट कुछ लोग हैं जो गो दैट डिस्टेंस और इस टाइप की फिनिशिंग्स देने के लिए अग्रीएबल है, खुद दे के चलते हैं, आपको मांगनी भी नहीं पड़ती है। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज द सेकेंड बेडरूम, बहुत ही सुंदर तरीके से इतनी ज़्यादा स्पेस निकाली है जो आप सोच नहीं सकते। अंदर से वही बैक लिट कबर्ड, इसमें आप जस्ट देखिए कि कितने बढ़िया ड्रॉर्स लगे हुए हैं, कितनी सुंदर बैक लिट कबर्ड है। एंड ये है इसका लाइटिंग सिस्टम, ये है इसके ड्रॉर्स, ऑल ब्यूटीफुल स्टफ। यहाँ से आपका शुरू होता है बेड का एरिया, आई थिंक मैंने इसका स्विच कर, ये रहा, ये है ना इंटरेस्टिंग, इतनी सुंदर कवर्ड्स है, मतलब आई कांट टेल यू। सो ये हुई कवर्ड्स एंड कवर्ड्स के ऊपर है लॉफ्ट का एरिया, वाह लॉफ्ट भी वैसे ही वेल लिट है, सो नाइस। जस्ट हैव अ लुक कि कितनी स्पेस आपको मिलती है, एंड ये जो आप देख रहे हो इतनी स्पेस आपको पूरी ओवरहेड मिलती है बाय द वे, आपको ये स्पेस पूरी लेफ्ट राइट सेंटर। जस्ट हैव अ लुक, पंखे के पास से होते हुए नीचे आपका बेड आ जाएगा और इतनी सारी स्पेस आपको साथ में मिलती है फ्री ऑफ चार्ज। सो दिस इज सच अ बिग अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर मैं स्क्वायर फुट में निकालूं तो मुझे आइडिया भी नहीं कितने स्क्वायर फुट हो जाएगा, बट दिस इज क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आपका बेड आएगा, बेड के ऊपर बहुत एक सुंदर जगह बनी हुई है जहाँ पे आप अपने पोर्ट्रेट्स लगा सकते हैं
या कोई चीज़ें रख सकते हैं, या आप यहाँ पे लाइटें लगा सकते हैं फॉल सीलिंग के साथ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बेड का हेडबोर्ड आएगा एंड यहाँ पे आएगा आपका टीवी। एक प्लग ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है, बड़ा सा सिस्टम है। यहाँ पे आप टीवी लगाइए एंड ऊपर आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की डक्ट है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल अटेंशन टू डिटेल। एक कॉम्पैक्ट एरिया में 215 गज में इतनी स्पेस निकालना मतलब ईजी नहीं होता बॉस। इसके साथ आप देखो, इसके साथ जो अटैच्ड है बाथरूम और बैल्कनी, बैल्कनी में बॉस दुनिया देती है UPVC। दिस इज़ एलुमिनियम फिनिश के दरवाजे एंड इसकी फिटिंग मतलब मक्खन, माई गॉड, मक्खन फिनिशेस। आप इसको यूटिलाइज करो, जस्ट हैव अ लुक पीछे कितना एरिया है। आधा स्क्वायर फुट भी बिना ख़राब करे जो एरिया गवर्नमेंट अलाउ करती है वहाँ पे लगा दिया पत्थर, और जो एरिया गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती वहाँ पे स्टील का केज, जिससे कि आप आराम से प्लांटर्स, पॉट्स कुछ भी लगा सकते हो। हर फ्लोर पे बहुत ही बढ़िया लेवल की आपको स्पेस यूटिलाइजेशन मिलती है। DLF Phase 2 का घर और इस लेवल की फिनिशेस, मतलब एक तो Phase 2 खुद ही इतना प्रीमियम एरिया है ना, यहाँ पे एक तरीके से डिमांड ही है कि आप चाहे छोटा एरिया बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन बनाओ ज़बरदस्त। तो ये वाली चीज़ ना सबको ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप वापस आओ और देखो ज़रा इस बेडरूम के साथ का अटैच्ड बाथरूम, जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको साथ चल के ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ इस बाथरूम की। Number 1, बैक लिट मिरर। इसको देखो, ये मोदी गार्ड का मिरर, फुल बैक लिट, जैसे कि आप कुछ सेलिब्रिटी अपनी शक्ल देख रहे हो। माई गॉड कितनी गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, बट आपके लिए कुछ भी। सो दिस इज़ अ बैक लिट मिरर। यहाँ से आता है, जस्ट हैव अ लुक, हेफले के सिस्टम्स लगे हुए हैं और साथ में विट्रा एंड ग्रोहे की फिटिंग्स। दिस इज हेफले राइट हियर, नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, बट दिस इज हेफले एंड साथ में वही ब्यूटिफुल स्विचेस दैट वी आर नाउ वेरी यूज टू, एंड एक बहुत ही बढ़िया शावर कैबिन। जस्ट हैव अ लुक, ब्यूटिफुली मेड शावर कैबिन, इतनी बढ़िया जगह निकाली और इतनी सुंदर फिनिश। जस्ट हैव अ लुक, सीलिंग लेवल तक टाइल्स ऑब्वियसली, क्योंकि आज की डेट में ये तो नीड ऑफ द आवर है, सब करते हैं। सीलन विलन आने का कोई सीन नहीं, नोबडी वॉन्ट्स कि पानी लीक की वजह से कोई दीवार पे निशान आ रहा है कुछ। सीलिंग लेवल तक टाइल्स होती हैं हर बाथरूम में। एंड यहाँ से चलेंगे अपने थर्ड बेडरूम में। कम ओवर, थर्ड बेडरूम की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अटैच्ड बाथरूम एंड अ बिग थर्ड बेडरूम। जस्ट हैव अ लुक, कितना बड़ा थर्ड बेडरूम है। ऑफकोर्स सेंट्रल एयर कंडीशन तो घर है ही, तो AC की डक्ट तो आती ही है। एक सुंदर सी टेक्सचर्ड फिनिश्ड वॉल जहाँ पे आपका बेड आएगा, और साथ में बेड के साथ आपकी बैल्कनी होगी। बैल्कनी के का जो एरिया, वहाँ से खूब सारी लाइट आएगी। ये है आपका टीवी एरिया जहाँ पे आपका टीवी लगेगा। एंड वार्डरोब कहाँ है, वार्डरोब वेल है यहाँ पे। सो माई गॉड, ये तो हमने देखा ही नहीं। All doors come with dust protectors. My goodness, this is something मैं आपको बता नहीं सकता how impressed I am with this house. यहाँ से है इस रूम का वार्डरोब। एक बार इसकी लाइट चला देता हूँ मैं। I think मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ स्विच कहाँ पे, बट लाइट्स तो लगी हुई हैं बॉस। जैसे आपने बाकी के उसमें देखा था, लाइट सारी लगी हुई हैं। लाइट के किसी स्विच से तो ऑन होती होगी, मैं अभी इस टाइम पे स्विच नहीं ढूंढ रहा, बट इसी लेवल का जो चीज़ आपने बाकी रूम्स में देखा वो इसमें भी है। सॉफ्ट क्लोज, जस्ट हैव अ लुक, इजंट इट जस्ट क्लासी। यहाँ से जस्ट गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द बाथरूम्स, कि कितनी सुंदर फिनिश में बाथरूम्स को फिनिश किया है। इसमें टाइल्स के अंदर एक बड़ी सुंदर प्रोफाइलिंग का काम किया हुआ है, लाइंस काट के उसके अंदर, मेकिंग इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सीलिंग लेवल की टाइल्स एंड काउंटर टॉप वॉश बेसिन विद रेन शावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स फिनिश्ड, जो कि आज की डेट में हर एक बायर एक्सपेक्ट ही करने को आ गया है DLF Phase 2 से।
ऑफ कोर्स ऐसा घर अगर ये सुशांत लोक में होता या कहीं और होता आई वुड हैव बीन रियली सरप्राइज्ड. बट ऑफ कोर्स डीएलएफ फेज टू आज की डेट में अपने आप में ही एक सुपर प्रीमियम एरिया है गुड़गांव का. इसमें एक एक चीज़ मुझे जितनी जो इम्प्रेस कर रही है, जैसे ये जो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, आप इस दरवाजे के ऊपर देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है. इस दरवाजे को अगर आप पीछे तक कर देंगे तो ये दरवाज़ा अपनी जगह पे रुक जाएगा, लेकिन अगर आप इस दरवाजे को हल्का सा खींच देंगे तो ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा. जस्ट हैव अ लुक. ये वाली चीज़ें, ये वाली एक एक फिटिंग कितनी महंगी आती है, और ये अपने आप बंद होता हुआ दरवाज़ा पूरा अंदर तक बंद हो जाएगा और उसके बाद फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा. कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो ये हुआ हमारा घर. दिस वॉज द एंटायर 215 स्क्वायर फीट हाउस. 215 स्क्वायर फीट आपने जो देखा, विच कम्स एट अ लेवल जो कि 500 या 600 गज के घर जिस तरीके से लोग कोई फिनिश करते हैं, उस लेवल पे इस घर को फिनिश कर रखा है. फ्लोरिंग, फॉल्स सीलिंग, शैंडलियर्स, एक बारी आप ये चीज़ें अगर देखते हैं आई एम श्योर यू विल बी रियली सरप्राइज एंड टेकन अबैक कि कितनी बढ़िया चीज़ है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको ये घर पसंद है या अगर आप घर ढूंढ रहे हैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में, मेक श्योर यू गिव अस अ कॉल. दैट आर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ऑल्सो रिटन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हमसे आप टच में आएँ, हमें बताएं आप क्या ढूंढ रहे हैं और क्या आपका बजट है. वील मेक श्योर टू गेट यू अ हाउस विच इज़ बेटर देन द मार्केट प्राइस, दैट टू वेरी वेरी फास्ट. अगर आप कोई घर बेचना चाहते हैं तो लेट अस नो, वी विल गेट यू अ डील वेरी वेरी फास्ट. लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू वेरी सून. तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू लेट अस नो इफ देर इज एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. वी विल रियली लाइक टू टॉक टू यू एंड गेट इन टच. तब तक टेक केयर, लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अनदर वीडियो. बाय.